इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गति या मोशन क्या होता है, या गति जो है किसे कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी 10:10 हो रहे हैं, 10:11 पे मैं यहीं पे खड़ा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आप जो है रुके हुए हैं, आप चल नहीं रहे हैं। लेकिन 10:10 पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और 10:11 पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं जो है गति में हूँ या मैं चल रहा हूँ। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान जो है परिवर्तित करती है, तो उसे जो है गति की अवस्था में कहा जाता है। जैसे मार्कर है, मार्कर को मान लीजिए अभी यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ देर बाद जो है यहाँ पे आ जाता है, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाता है। मतलब यह मार्कर जो है समय के साथ जो है अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, तो यह गति की अवस्था में है। तो गति को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि एक वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, तो उसे जो है हम गति कहते हैं। मतलब जो है समय के साथ स्थिति परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। उसके बाद दूसरा है गति एक सापेक्ष पद है। गति एक सापेक्ष पद है। इसको जो है एक प्रश्न के द्वारा हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए तीन दोस्त हैं, ए बी और सी, तीन दोस्त हैं। अब इसमें बी क्या बोलता है कि ए जो है स्थिर अवस्था में है और सी क्या बोलता है, ए गति की अवस्था में है। मतलब इसमें ऐसे लिख सकते हैं, बी के अनुसार ए विराम अवस्था में है और सी के अनुसार ए गतिमान अवस्था में है। क्या ऐसा हो सकता है कि ए और सी दोनों जो है सही बोल रहे हैं, या दोनों में से एक जो है झूठ बोल रहा हो? तो ऐसा जो है संभव है कि दोनों सच बोल रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ए और बी जो है एक जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं। किसमें बैठे हैं? ट्रेन में बैठे हुए हैं, और ट्रेन जो है चल रही है, और सी क्या है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। जब ए और बी दोनों ट्रेन में बैठे हैं, तो बी को क्या लगता है, ए जो है विरामावस्था में है, और ए को क्या लगता है, बी जो है विरामावस्था में है, मतलब कोई भी गति नहीं कर रहा है। लेकिन जो सी जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उसको क्या दिखाई देता है कि जो है ट्रेन चल रही है, और ट्रेन के साथ साथ ए भी चल रहा है, और ट्रेन के साथ साथ बी भी चल रहा है। मतलब सी के अनुसार ए गतिमान में अवस्था में है और बी भी क्या है गतिमान अवस्था में है। इसका मतलब बी के अनुसार ए विराम अवस्था में है और सी के अनुसार ए गतिमान अवस्था में है। ये क्या है, दोनों जो हैं सच बोल रहे हैं। इसी को क्या बोला जाता है, सापेक्ष बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सापेक्ष। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी के सापेक्ष ए विरामावस्था में और सी के सापेक्ष
ए गतिमान। तो सापेक्ष क्या होता है ये आपको समझ में आया है। गति क्या है? गति एक जो है सापेक्ष पद है। किसी वस्तु की गति को समझाने के लिए कुछ भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, वे गुणधर्म होते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। मतलब वे गुणधर्म जिसको आप माप सकते हैं भौतिक राशियां जो है कहलाती हैं। गति को समझाने के लिए कुछ भौतिक राशियां हैं दूरी तथा विस्थापन। चाल तथा वेग, त्वरण और समय के साथ सबको मिलाएंगे तो गति का जो है समीकरण जो है प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जो है दूरी और विस्थापन को पढ़ेंगे कि दूरी और विस्थापन जो है क्या होता है। दूरी और विस्थापन इसको जो है एक प्रश्न के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका जो है घर है और ये आपका विद्यालय है। आप जो है घर से जो है विद्यालय जो है ऐसे ऐसे रास्ते से होते हुए स्कूल पहुंचते हैं। पथ या रास्ता जो ये वास्तविक पथ है ये क्या है? वास्तविक पथ। तो किसी भी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की जो लंबाई होता है उसे ही क्या बोलते हैं? दूरी कहा जाता है। दूरी कहते हैं। मतलब आप एक घर से होते हुए इस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। तो यहाँ से चलते हुए जो वास्तविक पथ की जो लंबाई तय करते हैं आप उसे क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। तो दूरी को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य चली गई वास्तविक पथ की जो लंबाई होता है उसे जो है हम दूरी कहते हैं। दूरी को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब घर से स्कूल के मध्य चली गई जो वास्तविक पथ की लंबाई है उसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अब उसके बाद जो है हम घर से स्कूल जो पहुँचने के लिए सबसे जो है न्यूनतम पथ, सबसे जो है कम दूरी का रास्ता कौन सा होगा? तो सबसे कम दूरी का रास्ता जो है ये सीधा सीधा यहाँ से जाएंगे तो ये क्या होगा? सबसे कम दूरी का रास्ता है जो हमको स्कूल तक ले जा सकता है। तो ये हो गया प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और हो गया अंतिम स्थिति। तो हमें जो है जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य सबसे न्यूनतम जो है दूरी दूरी को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन बोलते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य चली गई
न्यूनतम जो पद की लंबाई को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोलते हैं। मतलब आप स्कूल से, घर से स्कूल, सबसे जो है कम दूरी का जो रास्ता तय करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन जो है कहलाएगा। विस्थापन की परिभाषा है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच अल्पतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम पथ है की लंबाई वही क्या कहलाता है, विस्थापन जो है कहलाता है। दूरी और विस्थापन को हम संख्या रेखा के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे संख्या रेखा है, इसमें ए बिंदु वो है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इधर ले लेते हैं सी। इसके माध्यम से हम दूरी और विस्थापन को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु जो है ए, ओ से ए में जाती है, ओ से कहाँ चली, ए में, तो उसका जो दूरी है ओ से ए, मान लीजिए दोनों के मध्य जो है एक जो है मीटर का अंतर है, एक मीटर और ये एक मीटर, तो दूरी और विस्थापन कितना होगा इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु ओ से ए चले तो उसका दूरी कितना होगा, एक मीटर, और विस्थापन कितना होगा, एक मीटर, जितना दूरी है वही उतना विस्थापन भी होगा, क्योंकि यह वास्तविक पथ की लंबाई यहाँ और जो है न्यूनतम पथ की लंबाई भी ओ से ए ही होगा। अगर कोई वस्तु ओ से सीधा जाती है बी और बी से सीधा जाता है ए, तो इसका जो है दूरी कितना हो जाएगा, ओ से बी चली मतलब एक मीटर दो मीटर, और वापस कितना रहा है, एक मीटर, तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, जीरो से ए, ओ से जो है ए ही है, इसमें विस्थापन एक जो है मीटर हो जाएगा। अब इसको ले लेते हैं, जीरो से या ओ से प्रारंभ होता है और बी में जाता है, बी से सीधा जो है ओ में आ जाती है वस्तु, इसका विस्थापन होगा जीरो और दूरी हो जाएगा चार, दो मीटर और दो मीटर चार मीटर, दूरी कितना होगा चार, और विस्थापन कितना हो जाएगा शून्य। मतलब किसी भी जो है गतिमान वस्तु के लिए दूरी हमेशा जो है धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर कोई भी वस्तु जहाँ से चलना प्रारंभ हुई वहीं पे आकर के रुक जाती है तो उसका जो है विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा, लेकिन उसकी जो है दूरी, जो वास्तविक पथ की लंबाई है वह होगी। जैसे हम जो है एक गेंद यहाँ से ऊपर की ओर फेंकते हैं, मान लीजिए 5 मीटर ऊपर जाता है और ऊपर से जो है नीचे आता है, यहाँ पे गिरता है, तो इसका जो है दूरी कितना होगा, यहाँ से चली गई वास्तविक पथ की जो है लंबाई उसका जो है दूरी होगा, तो दूरी कितना हो जाएगा, 5 5 10 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा, यहाँ से चला और यही पे आकर के गिर गया, तो विस्थापन इसके और इसके मध्य की बीच की दूरी होगा। तो दूरी हमेशा जो है धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य, कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि गति
मान वास्तु के लिए दूरी क्या होगा, हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य, तीनों जो है हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने सीखा कि गति जो है किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन क्या होता है। धन्यवाद।